नमस्कार अभिमन्यु जी, कैसे हो? क्या मंगाऊं आपके लिए? चाय, ठंडा पानी? बाकी सब छोड़ तिवारी जी, आप एक कप चाय पिला दो। अभिमन्यु जी बिल्कुल अभी मंगाता हूँ। गुड्डू, दो कप चाय। अभी लाया सर। पियो अभिमन्यु जी। अच्छा तिवारी, जो आपके माल की रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी कर दी है, आप बता दो उसकी पेमेंट कब तक हो जाएगी। ठीक है अभिमन्यु जी, एक या दो दिन में आपका पूरा पेमेंट क्लियर हो जाएगा। सर के घर से फोन इस टाइम। हेलो बेटा। हाँ नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? बाबू हम ठीक नहीं थे, और बेटा कहाँ बड़ा फोन नहीं उठा। माँ जी सर अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, शायद इसलिए आपका कॉल नहीं ले पा रहे होंगे। ठीक हुआ बाबू, हाँ बेटा से बोल रहा हूँ, तबीयत खराब, जल्दी से घर आ जा। ठीक है माँ जी, मैं अभी जाके सर को बोलता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। सर अभी आपके घर से आपकी मॉम का फोन आया था, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो कह रहे थे आप जल्दी से घर आ जाओ। क्या? अच्छा सुनो, ऑफिस का सारा काम संभाल लेना, मैं घर के लिए निकलता हूँ। अब तबीयत कैसी है? बाबू तबीयत तो ठीक है बाबा, टेंशन में जो छोट के ना हम करे बस। बाबू तू तो जानते हो कि आजकल हमारा तबीयत ठीक नहीं कर रहा। माँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इस बारी छठ पूजा का व्रत मैं करूँगा। आज हमारे पास जो कुछ भी है सब छठ मैया की ही देन है, और हाँ इस बार मैं छठ पूजा का व्रत कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। ठीक है बाबू, यही सब तहार मत। छठी माई के घटावा को अजन बाजन बाजा बाजा बाई बुहो।